नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी बॉटनेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने बॉटम का फैब्रिक भी यूज़ किया है और ये बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पूरे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, बॉटनेक के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर लिया है, यहाँ से ये बंद वाली साइड है। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे, जो मेरी मेज़रमेंट में है 4 इंचेस। आप शोल्डर लाइन के अकॉर्डिंग इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लेंथ मैंने रखी है 3.5। इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए हमें इस तरह बॉटनेक का शेप देना है। बॉटनेक में इस तरह हल्की सी घुलाई आती है। बॉटनेक की मार्किंग हो जाने के बाद बाहर की तरफ हम करीब 1.25 इंच चौड़ी स्ट्रिप रख के पूरी नेक लाइन को कट करेंगे। बॉटनेक की कटिंग हो चुकी है। अब साइड में जो पैटर्न बनेगा उसके लिए हम एक स्ट्रेट स्ट्रिप कट करेंगे। ये स्ट्रिप करीब 12 इंच लंबी है। अब इन दोनों कटिंग्स को हमें फैब्रिक पे पेस्ट करना है। बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने रखा है और जिसको फैब्रिक ग्लू से मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। फैब्रिक ग्लू यूज़ करने से आपको स्टिच करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, इस तरह से फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर आप एक बार आयरन ज़रूर कर लें। नेकलाइन के साथ जो स्ट्रिप मैंने रेडी की है उसे भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, दोनों कटिंग्स इस तरह रेडी है। अब कुर्ती पर हमें चौड़ाई में मार्क कर लेना है, जितनी भी आपने नेक की चौड़ाई रखी है। और कुर्ते के उल्टे साइड पर हमें इस नेक लाइन को इस तरह सेट करना है। अब यहाँ पूरे बॉटनेक को हम पहले स्टिच कर लेंगे। इस तरह नेकलाइन को स्टिच करने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और पूरी गोलाई वाले शेप में छोटे कट लगाएंगे। कोई भी गोलाई वाला शेप हो, आप वहाँ छोटे कट लगा के उसको अच्छा शेप दे सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है। बाहर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ किनारे पर स्टिच करके इसको फिक्स कर देंगे। बॉटनेक की स्टिचिंग हो जाने के बाद अब जो हम यहाँ पैटर्न बनाएंगे, देखिए उसके लिए यहाँ बॉटनेक के साइड से हम करीब 10 इंचेस नीचे एक मार्क करेंगे और यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहाँ इस मार्क के ऊपर हमें इस स्ट्रिप को स्टिच करना है। यहाँ भी इस स्ट्रिप के ऊपर आप एक सेंटर में मार्क करें तो स्टिच करने में आसानी होगी। इस स्ट्रिप को हमें नेक लाइन के थोड़ा सा ऊपर तक रखना है। देखिए इस तरह से। अब इस स्ट्रिप पर हम सेम बॉटनेक का
शेप देते हुए इसे कटिंग करनी है। देखिए इस तरह स्लांटिंग में। अब जो हमने मार्क किया है बिल्कुल उसके ऊपर सेट करते हुए इस स्ट्रिप को हम स्टिच करेंगे। जो सेंटर में मार्क किया है उसके दोनों तरफ हमें 1/4 इंच का गैप देते हुए स्टिच करना है। स्ट्रिप की एंडिंग तक जो हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ हमें वी शेप देना है। इस तरह वी शेप में हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। अब जो सेंटर में मार्क है वहाँ पर कट लगा दें। बिल्कुल एंड तक हमें कट लगाना है और ध्यान रहे कि स्टिचिंग हमारी कट नहीं होनी चाहिए। अब इस स्ट्रिप को हमें पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ फोल्ड करके और मैंने इसे एक बार आयरन किया है। अब यहाँ ब्लैकेट एरिया पर मैंने एक डबल फोल्ड स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हम इस तरह सेट करेंगे और सेम शेप में फिर से कटिंग करेंगे। अब इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ से इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से पहले स्टिच करना है। अब इसे सीधा कर लें और यहाँ पर हम नेकलाइन से इस स्ट्रिप को सेट करेंगे। जो ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा हो उसे अंदर की तरफ दबा दें। अब यहाँ इस स्ट्रिप को प्लेकेट के ऊपर बिल्कुल किनारी पर स्टिच करेंगे। एक साइड स्टिच करने के बाद पहले हम इसे मशीन से निकाल देंगे। अब इस स्ट्रिप के ऊपर हमें ये थर्मोकोल बॉल्स स्टिच करने हैं। यहाँ पैटर्न के लिए पूरी किनारी पर हम इस पोटली बटन्स को स्टिच करेंगे। पोटली बटन का जो फेस है वो सिर्फ आप इस स्टिच के ऊपर सेट करें और किनारी पर स्टिच करें। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें अंदर की तरफ दबाना है। यहाँ सिंगल स्टिचिंग से ये पोटली बटन्स स्टिच तो हो चुके हैं मगर इनको अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ 1/4 इंच का गैप देते हुए एक और स्टिच करें और जो पीछे की तरफ पोटली बटन्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे इस स्टिच से दबा दें। पोटली बटन्स पूरे फिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करने के लिए ये बॉटनेक का दूसरा वाला साइड हम इसके ऊपर सेट करेंगे और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा जो पीछे वाली स्ट्रिप दिख रही है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। अब यहाँ से हम फिर से किनारी पर स्टिच करते हुए इस पैकेट को बंद कर देंगे। प्लेकेट को बिल्कुल स्ट्रेट में रखते हुए किनारी पर स्टिच करें। यहाँ एंड तक आके इस स्टिच को हम डबल कर देंगे। प्लेकेट एरिया को कंप्लीट करेंगे। लेटेस्ट बॉट नेक डिज़ाइन रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ये स्टेप्स पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और लेटेस्ट
फैशन अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।